टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। रूस और यूक्रेन के युद्ध को शुरू हुए 3 महीने हो चुके हैं और अभी भी यह थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस युद्ध के कारण सिर्फ रूस और यूक्रेन ही प्रभावित नहीं हुए हैं, इस युद्ध का असर पूरे विश्व पर पड़ा है। आम जन से लेकर वैश्विक व्यापार सब कुछ हिला पड़ा है। वैश्विक व्यापार की बात करें तो इस पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है, जैसे कि कच्चा तेल, नेचुरल गैस, खाद्य तेल, खाद, मेटल्स आदि का व्यापार किस युद्ध के चलते प्रभावित हुआ है। इसी बीच युद्ध के बाद कम्युनिटी मार्केट कैसी रह सकती है और किन किन कम्युनिटीज पर सबसे अधिक प्रभाव रहेगा, इस पर CPAI यानी कम्युनिटी पार्टिसिपेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट नरेंद्र वाधवा ने एक आर्टिकल साझा किया है, जिसमें उन्होंने युद्ध से प्रभावित होने वाले सभी उद्योगों और कम्युनिटीज का उल्लेख किया है। CPAI के नेशनल प्रेसिडेंट नरेंद्र वाधवा के अनुसार रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध और रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को बाधित कर दिया है और रूस से ब्लैक सी पोर्ट के माध्यम से यूरोप और एशिया में व्यापार को बाधित कर दिया है। सबसे ज्यादा प्रभाव खाद्य तेलों, अनाजों और मेटल्स के व्यापार पर पड़ा है। इसके अलावा पश्चिमी देशों ने रूसी बैंकों की स्विफ्ट अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली तक पहुंच को अवरुद्ध करने से हमारे निर्यात के लिए भुगतान में देरी हो सकती है। भारत कम्युनिटी के सबसे बड़े उपभोक्ता, उत्पादक और प्रसंस्करणकर्ता में से एक है और भारतीय कम्युनिटी बाजार इस व्यवधान से काफी हद तक प्रभावित हुई है। सबसे ज्यादा जिन क्षेत्रों में इसका प्रभाव अधिक देखने को मिला है, सबसे पहले वो है खाद्य तेल। भारत यूक्रेन और रूस से बड़ी मात्रा में सूरजमुखी तेल का आयात करता है, जो प्रमुख उत्पादक देश भी है। भारत ने नवंबर 2020 से अक्टूबर 2021 के बीच 12 महीनों में यूक्रेन से लगभग 14 लाख टन सूरजमुखी तेल और 2 लाख टन से अधिक का आयात किया। फरवरी 2022 में युद्ध छिड़ गया। इसके परिणाम स्वरूप खाद्य तेल में ताड़ के तेल यानी पाम तेल और मूंगफली के तेल का उपयोग बढ़ गया। खाद्य तेल की भरपाई करने के लिए और कीमतों को तेजी से बढ़ने से रोकने के लिए इन तेलों का इस्तेमाल किया गया। वहीं इंडोनेशिया से पाम तेल की आपूर्ति फिर से शुरू हो चुकी है और इससे खाद्य तेलों की कीमतों पर कुछ हद तक नियंत्रण रहेगा। कृषि और कृषि खाद्यान्न। यूक्रेन और रूस गेहूं के मामले में वैश्विक व्यापार में 30% से अधिक की हिस्सेदारी रखते हैं। जौ के लिए 32%, मक्के के लिए 17%, सूरजमुखी के तेल, बीज और भोजन के लिए 50% से अधिक का व्यापार करते हैं और इनके महंगे होने से इनसे बनने वाली और भंडारण करने वाली वस्तुएं जैसे पास्ता, आटा और ब्रेड की कीमतें बढ़ जाती हैं, जैसा कि हम वर्तमान में देख भी रहे हैं। चाय उद्योग। रूस भारतीय चाय का सबसे बड़ा आयातक है, जिसका देश से निर्यात होने वाली चाय की कुल मात्रा का 17 से 18% हिस्सा है और इसके कम होने से और कीमतों में तेज गिरावट से समस्याएं और ज्यादा बढ़ेंगी। वहीं कॉफी जैसी अन्य वस्तुओं में भी यही समस्या है, जिसके लिए रूस 5वां सबसे बड़ा आयातक है। यूक्रेन भारतीय कॉफी का 10वां सबसे बड़ा आयातक देश है। मेटल्स उद्योग। रूस दुनिया के एल्यूमिनियम का लगभग 6% और खनन किए गए निकल का 7% उत्पादन करता है। यह कमोडिटीज किसी भी अन्य परिसंपत्ति वर्ग की तुलना में नेचर में अधिक ग्लोबल है, भले ही दोनों देशों के बीच कोई प्रत्यक्ष आयात निर्यात संबंध ना हो। कमोडिटीज मूर्त संपत्ति है और इनके वित्तीयकरण का अधिक स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। निकल का उपयोग स्टेनलेस स्टील और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी में किया जाता है। इन उद्योगों पर भी इसका प्रभाव महसूस होगा। दुर्लभ धातु गैस, सेमीकंडक्टर और चिप आश्रित क्षेत्र। रूस पैलेडियम की आपूर्ति करता है और यूक्रेन नियॉन और हीलियम की आपूर्ति करता है, जो चिप बनाने के लिए आवश्यक है। चिप पर निर्भर जैसे क्षेत्र जैसे कि ऑटोमोबाइल्स और आईटी क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जो पहले से ही चिप्स की वैश्विक कमी का सामना कर रहे थे।
कच्चा तेल। रूस कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। आपूर्ति में कोई भी कमी वह भी एक प्रमुख निर्यातक देश से डॉलर के संदर्भ में दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं और डॉलर अन्य मुद्राओं के मुकाबले मजबूत हो रहा है। भारत अपनी जरूरत का 80% तेल दुनिया भर से आयात करता है। कमी और डेप्रिशिएटिंग करेंसी की यह दोहरी मार अर्थव्यवस्था, घरेलू खर्च और पेंट और उर्वरक जैसे तेल पर निर्भर उद्योगों के लिए बहुत मुश्किल बना देती है। फर्टिलाइजर्स, उर्वरक चावल, गेहूं, मक्का रखने की और अधिक पैदावार की कुंजी हैं। फसलों में खाद डालने के लिए भारत 4 मिलियन से 5 मिलियन टन पोटाश की पूरी वार्षिक खपत के लिए आयात पर निर्भर करता है और इसमें से एक तिहाई बेलारूस और रूस से आता है। हालांकि भारत अपनी आवश्यकता का 80% स्वदेशी रूप से पूरा करता है और रूस से वह अपनी आवश्यकता का केवल 4% आयात करता है। CPAI के नेशनल प्रेसिडेंट नरेंद्र वाधवा ने अंत में अपने आर्टिकल में यह लिखा है कि युद्ध के कारण भारत ने अन्य देशों के साथ आपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए काम करना शुरू कर दिया है और प्रयासों के परिणाम भी सामने आ रहे हैं। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV। ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।